जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आप देख रहे होंगे पंडाल लग चुका है माँ का, और आज नवरात्रे का पहला दिन है। तो ये है मेरी माता रानी, जिसे मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। और आज से मेरे और मेरे हस्बैंड के 9 दिन के फास्ट होते हैं। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी पूजा पाठ के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो ज़्यादा टाइम लगना था। माता का स्नान करा के पूरा मंदिर अंदर साफ़ करना था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी थोड़ी मदद की और साथ में मिलके हमने अच्छे से माता रानी का श्रृंगार किया, उनका स्नान आदि करा के पूजा पाठ की। और उसके बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मैंने अपनी बेटी को पहले भेज दिया था स्कूल। और सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे हैं कि नवरात्रे भी आ गए हैं। 2024 में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पता ही नहीं चला कि कब ये 2024 आया और अब जाने भी वाला है। तो टाइम का कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। टाइम कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त बढ़ता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे हाथ से वक्त निकल गया। इसलिए जब तक वक्त है तब तक आप अपने इस वक्त को संभाल के रखिए, इसका उपयोग कीजिए, इसको व्यर्थ के कामों में बिल्कुल भी मत गंवाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने टाइम की अहमियत को समझिए। और आप ये मन में ठान लीजिए कि अब तक हमने जो भी किया वो सब छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आगे आने वाले 6 महीने में आपको जॉब लेनी है तो लेनी है। ये जो 3 महीने हैं इनको बिल्कुल मत गंवाइए। सुबह शाम दिन रात लगे रहिए, जब भी मौका मिले तब आप पढ़िए। ये मत सोचिए कि स्पेशल टाइम हमें मिलेगा, स्पेशल टाइम की खोज ना करिए। जब भी मौका मिले तभी आप पढ़िए। ये जो 3 महीने हैं, ये 90 दिन अब इस 2024 के लिए बाकी हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे ऐसा करते करते 2025 भी आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन ये जो 3 महीने 2024 के बचे हैं ये एक दिन 2025 के बचेंगे फिर। तो ऐसे करते करते साल दर साल बीत जाएंगे और हमारा टाइम यूं ही निकल जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी एज ही नहीं रहेगी फॉर्म भरने के लिए या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो हम चाहते हैं। तो इसलिए अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, फ़ोन हो या रील्स हो। क्योंकि फ़ोन को आप जितना भी चलाओ, जितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप एक रील देखते हो, दो रील देखते हो, ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड देख सकते हो, स्टडी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन मन नहीं भरता है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप फ़ोन देखते देखते 1 से 2 घंटे बीत गए और हमें लगेगा कि हमने अभी तो उठाया था हाथ में फ़ोन, लेकिन 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और उसके बाद जो पछतावा होता है, जो गिल्ट हमें होता है कि हमने ये जो 1-1.5 घंटा इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, इससे बढ़िया तो हम पढ़ लिए होते, तो वो गिल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा। तो जब आपका टाइम निकल गया है, आपने वेस्ट कर दिया है, तब क्या फ़ायदा फिर गिल्ट करके। इसलिए अपने टाइम को फ़ोन में वेस्ट ना करके आप जितना हो सके इसे यूटिलाइज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि 2024 के जो 90 दिन भी बाकी हैं इनको भी हम सही तरीके से उपयोग में लाएँ, क्योंकि जो हमने खो दिया है उसके लिए पछतावा ना करें। अब दिन में बैठ के मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये बुक मैंने बहुत दिनों बाद निकाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने अपना हिंदी का कोर्स कंप्लीट किया था, हिंदी कंप्लीट कर ली है, इंग्लिश में कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि रोज़ 20-30 क्वेश्चंस मेरे को मैथ्स के भी लगाने चाहिए, क्योंकि मेरा कंसर्न सब्जेक्ट ही मैथ्स है। क्योंकि अगर आप गैप दे दोगे, और काफ़ी टाइम से मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो यही सोच के कि रोज़ 20 या 30 क्वेश्चंस मैं मैथ्स के करूँगी और उसके अलावा जो मेरा पैटर्न चल रहा है इंग्लिश हिंदी का वो तो करूँगी ही। अभी बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपके लिए टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसी हैं मोस्टली जो कि हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ को अपने टाइम की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना होता ही नहीं है। तो अगर हम जो बचा कुचा टाइम है उसको भी वेस्ट करेंगे तो एक दिन सब कुछ यूँ ही निकल जाना है, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा। और वो पछतावा भी यही रहेगा कि काश उस टाइम हम पढ़ लिए होते, हमारे पास टाइम बहुत था। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, आपको भी पता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो फ़िलहाल आपके उत्तराखंड के फॉर्म आए हुए हैं, आगे DSSB के फॉर्म अभी भरे गए थे, KVS और NVS के आगे आने वाले हैं, AMRS के आगे आने वाले हैं। और
अगर आप रेलवे से हैं तो रेलवे के भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी है। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ वो दृढ़ संकल्प की, जो हमें अपने मन में करना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने अपने मन में ठान लिया कि मैं कर लूँगी, तो आप कर ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की देर है। मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, शॉर्टकट दूसरा आपको नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप जिन भी सफल व्यक्ति को देखते हैं उनके पीछे कड़ी मेहनत छुपी होती है, एक एक दिन करके उन्होंने परिश्रम किया होता है। और जो आपको सक्सेस हासिल करनी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए, ये नहीं दो दिन चार दिन पढ़ा और फिर दो चार दिन बुक नहीं खोली, गैप नहीं होना चाहिए। जितना हो सके कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप रोज़ कंसिस्टेंसी से रोज़ आप मॉक टेस्ट देंगे और रोज़ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के बाद ज़रूर एक या दो मॉक टेस्ट दीजिए। सुबह शाम आप अपना बना लीजिए कि मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, बड़े नहीं तो छोटे छोटे मॉक टेस्ट दीजिए, 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, जितना भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। कई बार क्या होता है ना, हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, पेपर देने का पैटर्न हमें नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में हमें सब कुछ नया नया लगता है। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो भी टॉपिक पढ़े उसका मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अब रात के टाइम में खाना बना रही थी, फास्ट चल रहे हैं, तो रात में मैंने दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी और खीर बनाई थी। और बस अब 9 दिन यूं ही, मैं चाहती हूं कि माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखें। और मैं पॉजिटिव फील करती हूं इन 9 दिनों में बहुत ज़्यादा। और मैं बस यही चाहती हूं कि अब जो मेरे 3 महीने बचे हैं मेरे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं। मुझे पता है मेरे पास टाइम की कमी है और हाउसवाइफ के पास अक्सर टाइम की कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को ये ना सोचते हुए कि ये है वो है, बहाने ना बनाते हुए जितना हो सके बस अपना एफ़र्ट डालिए, मैक्सिमम एफ़र्ट डालिए और कंसिस्टेंसी से आप लगे रहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि सफलता पाने में आपको थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता एक हाउसवाइफ को, लेकिन मिलेगी ज़रूर। वो दिन ज़रूर आएगा जब हम सफल होंगे और हक से कहेंगे कि हमने कर दिखाया है।